चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्लूएस की ओर से आपका कमल स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। कॉल हैंडलिंग के कार्य में एक नई उपलब्धि को हासिल किए हमारी एपीएस जेडल साइट के समूह। हमारी चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था बंदरगाहों में किए जाने वाली निर्यात एवं आयात के कार्यों में अपने द्वारा कार्य लिए उन सभी बंदरगाहों में इसमें कई नई नई उपलब्धियों को हासिल कर अपनी बेहतरीन योगदान प्रदान करती आ रही है। इस प्रकार बंदरगाहों में क्लाइंट द्वारा हमारे समूह को निर्धारित किए जाने वाली उन लक्ष्य को भी उचित समय में लोडिंग एवं अनलोडिंग कर बिना किसी विलम्ब के चुनौतीपूर्ण कार्यों को बेहद सफलतापूर्वक से करती आ रही है। इस प्रकार हमारी संस्था वर्ष 2017 से ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस के कार्य को हमारे एपीएस जेडल पोर्ट में करती आ रही है। उस आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष 2023-2024 में तकरीबन 18.20 मिलियन मेट्रिक टन की हैंडलिंग किए जाने की उम्मीद किए जाने की स्थिति में 30.25 मिलियन मेट्रिक टन की आयात किए गए थे और इस उपलब्धि के लिए आरएम श्री बी रवि जी, आरएम श्री महेश कुमार जी इंजीनियरिंग हेड, आरएम श्री तपन कुमार सरकार जी ऑपरेशन हेड ने समूह को अपनी ओर से प्रशंसा एवं मुबारकबाद जाहिर किए हैं और इसका जश्न मनाए जाने के रूप में श्री विवेक सिंह जी यूनिट हेड एपीएस जेडल, श्री कश्यप पांड्या जी, आरएम श्री वी रवि जी ने अपने समूह के साथ केक कटिंग कर इसका जश्न मनाते हुए आनंद लिए। एचपी फेस वन बॉटम एश प्लांटिंग के लिए नई वाइब्रेटिंग स्क्रीन को स्थापित की हमारी जासूरा सीपीपी साइट के मैकेनिकल समूह। हमारी सीपीपी एचपी साइट में बॉटम एश जो है वह बॉयलर में से आने वाली एश को एवं सबमर्जेड स्क्रैपर कन्वेयर में से आने वाली एश को कन्वेयर एवं वाइब्रेटिंग स्क्रीन के माध्यम से उसे मिक्सिंग टैंक में ले आकर इसके साथ ही उसमें फ्लाई एश को मिलाकर जीहो पंप के मार्ग से इसे एश पॉन्ड तक पाइप के माध्यम से ले जाया जाता है। इस प्रकार बॉटम एश की हैंडलिंग किए जाने में इस वाइब्रेटिंग स्क्रीन का मुख्य योगदान होता है। वाइब्रेटिंग स्क्रीन जो है बेहद पुराना एवं इसमें हुए घिसाव के कारण ये अपनी क्षमता खोकर बेहद कमजोर हो चुकी थी और इसके वजह से प्लेटफॉर्म को क्षति पहुंचने एवं असुरक्षित स्थिति बनी रहती थी और इस समस्या से पूर्ण रूप से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह इसके बारे में क्लाइंट को उचित रूप से सूचित कर एचपी फेस वन बॉटम एश को स्थापित किए जाने के लिए नई वाइब्रेटिंग स्क्रीन स्ट्रक्चर को फैब्रिकेशन एवं एरेक्शन किए जाने का निर्णय किए और इसके पश्चात साइट आरम श्री अशोक कुमार जी के मार्गदर्शन से उस पुराने खराब स्ट्रक्चर को निकाल कर नए स्ट्रक्चर को बिना किसी सेफ्टी वायलेशन एवं इंजरी के बेहद प्रभावी ढंग से कार्य कर इसे सफलतापूर्वक से बदल कर लगाए हैं और वेदांता के उच्च अधिकारियों श्री मंगू जी डिप्टी प्लांट हेड, श्री स्वर्णा जी एचओडी ऑपरेशन, श्री सोमिया जी एचओडी एएचपी एवं श्री एस चौधरी जी एचओडी एएचपी एनजीएसएल और इनके साथ ही एनजीएसएल एवं क्रू के सभी विभाग के एचओडीज की उपस्थिति में इसका सफलतापूर्वक से परीक्षण किया गया और इसकी प्रशंसा किए जाने के रूप में सीपीपी क्लाइंट ने हमारे समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं और उनके साथ ही हमारे सीपीपी साइट के आरएम श्री अशोक कुमार जी एवं डीआरएम श्री वेंकटेशन जी ने हमारे मैकेनिकल के समूह की इस बेहतरीन कार्य के लिए उनकी बेहद प्रशंसा किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्लूनेस के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं हमारी क्लू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।